हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक और रेलवे संबंधी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हमारे व्यूवर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो एक व्यूवर के द्वारा पूछा गया था कि सर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कितना दिन में हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। तो साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसी को ट्रांसफर की जरूरत होती है, क्योंकि घर से कई सौ किलोमीटर जाके दूसरे जगह नौकरी करते हैं रेलवे की, और वो अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं। तो हर किसी का इच्छा होता है कि हम अपने घर के पास नज़दीक आके नौकरी करें और परिवार के साथ रहें। तो रेलवे ने ये देखते हुए उनकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लाई, जिसमें उनका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, बच्चे कोई अपंग है उसके लिए ट्रांसफ़र, मतलब अनेक तरह से ग्राउंड बनाकर उनको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को किया जाता है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, उसकी समय सीमा निश्चित है। उसकी समय सीमा एक निश्चित किया गया है कि 45 या 90 दिन जो भी है उसके अंदर में आपको कर दिया जाएगा। लेकिन आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ये सभी के लिए अभी तक रेलवे बोर्ड का कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है जिसमें बताया जाए कि आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कितने दिन में हो जाएगा, चाहे तो आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर कितने दिनों में होगा। क्योंकि साथियों, इसमें जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होते हैं जो म्यूचुअल से बिल्कुल अलग होते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में एक कर्मचारी दूसरे जगह से आता है तो एक कर्मचारी उसके जगह पर आता है, मतलब एक्सचेंज होता है। तो उससे क्या होता है कि जो जिस डिवीजन का कैडर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है, ना कमता है ना ज्यादा होता है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है कि स्वप्रमाणित, मतलब एक कर्मचारी दूसरे डिवीजन या दूसरे जोन जाएगा, उसके बदले में उस डिवीजन को कोई कर्मचारी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, और जो भी ऑन रिक्वेस्ट पहले से लगा रखे हैं उनकी सीनियरिटी अगर पहले होगा और आप बाद में अप्लाई किए हैं, तो जब तक पहले उनको नहीं होगा तो आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर है और ऐसे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, वो दोनों में आपका जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर होता है ऑन रिक्वेस्ट की अपेक्षा जल्द होता है। लेकिन अब इसमें भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रेलवे बोर्ड ये नहीं कहा कि आपको 6 महीना में हो जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको अभी तक जो रेलवे बोर्ड का लेटर है उसमें आपके म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर बताया गया है कि आपका फार्म एक्सेप्ट होने में इतना दिन लगेगा, उसके बाद दोनों तरफ से एनओसी में इतना दिन लगेगा, फिर रिलीविंग में इतना दिन लगेगा, वो सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए किया गया है। अगर आप उस म्यूचुअल ट्रांसफर वाली वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं या तो प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन पूछे थे और उनके मन में चल रहा था कि ना जाने मेरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर कब होगा, वो इस मन से निकाल दें कि कब होगा। बस यही है कि आपका डिवीजन, आपका जोन जितना जल्दी वो प्रक्रिया को करे और दूसरे डिवीजन को भेजे, अगर दूसरा डिवीजन जितना जल्दी एनओसी अगर आपको प्रोवाइड करवा देता है, एनओसी मिलने के बाद भी आपके डिवीजन वाले जो भी अधिकारी हैं वो चाहेंगे तो आपको रिलीविंग करने में समय लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस समय कर्मचारी होगा अवेलेबल या नहीं होगा, या आपके जाने से वहां पे स्टाफ की कमी ज्यादा महसूस होगा, तो हो सकता है आपको उसके बाद भी आपको 6 महीना या 5 महीना या
निश्चित सीमा तक लगी वो रोक सकते हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बशर्ते ये होगा कि आपकी अच्छी पहुंच रहेगी, अच्छा आपका उस डिवीजन में बिहेव रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, तो अगर कर्मचारी आपसे खुश रहेंगे तो हो सकता है कि जितना जल्दी जल्दी आपको ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो भी लिमिट नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।